साहित्य आपका विषय है, ठीक है, तो आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने वाले जो आचार हैं वो आचार कौन है। बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, चयन करना है आपके लिए और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहने वाले आचार कौन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपका उत्तर आ गया विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, बी नंबर आ गया, जनता जनार्दन बी की तरफ जा रही, बिल्कुल सही आंसर है। किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक बताना है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए किसमें है अपादान कारक, किसमें है 51 नंबर बताइए। कुमकुम यादव जी राइट आंसर, संध्या गुप्ता जी किस वाक्य में अपादान कारक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया यहां से आपके और आपने उत्तर बताया, अभी तक किसी ने नहीं बताया, 51 नंबर का अनिल कुमार जी ने बताया शी, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है, सी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है, सी नंबर आपका सही है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 52 नंबर में आपको चयन करना। रामानुजाचार्य के बारे में आपको पता है, ठीक है, ये इन्होंने कौन से दर्शन, किस दर्शन का प्रतिपादन किया, ये आपसे पूछा जाता है, बताइए। छोटे लाल यादव जी बताएं, हीरो होंडा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, 52 नंबर का क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर राम तो क्या है, विशिष्ट हैं, विशिष्ट हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, सी नंबर आपने चयन किया है, राइट आंसर है। कविता की तीसरी आंख इसकी रचनाकार कौन है, कविता की तीसरी आंख, 53 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी लाइक कर दे, विनोद कुमार जी, अनीता जी लाइक कर दे, सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ट्रिकी नोट्स बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। कविता की तीसरी आंख इसके रचनाकार कौन है, शेरजंग है, शेरजंग गर्ग है, मृदुला गर्ग है, प्रभाकर श्रोत्रिय है, या फिर इनमें से कोई नहीं, चयन करना है आपको। 53 नंबर के क्वेश्चन में रवि शंकर जी, और 53 नंबर का क्वेश्चन है कि सर प्रभाकर श्रोत्रिय लगा दो, सी नंबर आंसर आप सही लगा दो, इसमें सी नंबर प्रभाकर श्रोत्रिय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कविता की तीसरी आंख खुल गई और प्रभाकर श्रोती रही, प्रभाकर श्रोती रही, कविता की तीसरी आंख खुल गई, तो कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सी नंबर बिल्कुल सही है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना इस मुहावरे का अर्थ बताना है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, या फिर दीनता, सभी लोग बताएंगे, बताइए दीपिका जी, हाँ बिल्कुल, भूमिका त्रिपाठी जी आपका भी नाम बोल दिया, कलेजे पर सांप लौटना, ये आपको एक पढ़ा था ना अपने वाद विवाद संवाद, नाम बार सही की एक रचना पढ़ी थी ना वाद विवाद संवाद, तो कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जल उठना, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, 55 नंबर का क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, और सीधा आंसर जा रहा कि सर इसमें आप मुमुक्षु लगा दो, यानी कि आप इसमें सी नंबर लगा दो, मुमुक्षु आपका राइट, मोक्ष की कामना करने वाला ये आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका फिर सही हो जाएगा। विनीता जी, अर्पिता जी, वेरी गुड, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है, 56 नंबर का क्वेश्चन बताओ, यानी कि कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा जाए, प्रवीण ओझा जी, विजय गुप्ता जी बताएं, सीताराम जी, 56 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, आरूसी मीना जी, उपन्यास कौन सा है राही मासूम रजा का जो कि भारत विभाजन पर आधारित है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और आपने उत्तर बताया कि सर आधा गांव कैसा है, आधा गांव मासूम है, मासूम, तो मासूम से क्या बनेगा, राही मासूम रजा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट देखो, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है और ये किसके जीवन पर आधारित है, ये भी आपको बताना है, बताइए मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है,
और ये उपन्यास है किसका, ये भी आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए सभी साथी, शेयर भी करना अपने मित्रों तक, जल्दी जल्दी से शेयर करिए। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। और उत्तर जा रहा कि सर ये अमृतलाल लांगर द्वारा लिखित तो उपन्यास है मानस का हंस, और ये जो है आपने उत्तर बताया कि सर ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस है, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर बहुत बढ़िया चांदनी जी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। प्रसाद के बारे में जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था कामायनी, 15 सर्गों का महाकाव्य लिखा था, कामना नाटक के आधार पर प्रतीकात्मक महाकाव्य माना जाता है। 58 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और आपने पता है कि इन्होंने तीन उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल लिखा है, तितली लिखा है, इरावती भी लिखा है। कंकाल इनका प्रथम उपन्यास है दोस्तों, ठीक है, और इरावती तितली इनका दूसरा, और इरावती इनका दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास है, और ये अधूरा उपन्यास है, अधूरा भी है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाता है पथबंधु था। उपन्यास के लेखक कौन है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन पर आधारित उपन्यास है एक पथबंधु था, इसके लेखक कौन है, ये लिखा किसने है उपन्यास, उपन्यास विधा की ये रचना यह पथबंधु था, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। प्रीति पुरोहित जी बजाइए, सुभाष जी, सुभाष चंद्र जी बताएं सही आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि इंफॉर्मेशन आपकी सभी सही समय तक पहुंचे। यह पथबंधु था, यानी कि आपका उत्तर हो गया नरेश कैसे बन गया, बोले यह तो पथबंधु था, नरेश कैसे बन गया, तो ये नरेश मेहता, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। उत्तरायण किसकी कृति है, उत्तरायण किसकी कृति है बताओ, 60 नंबर के क्वेश्चन में, उत्तरायण हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या फिर राम कुमार वर्मा, उत्तरायण एक कृति किसकी मानी जाती है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पंकज सिंह जी बताएं सही आंसर, लाइक करते हुए शेयर भी करनी ना है, उत्तरायण बताना है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कितने लोग सफल होते इस क्वेश्चन को बताने में देखते हैं बताइए। उत्तरायण, और सभी लोगों ने बता दिया कि सर उत्तरायण ये जो कृति है ये राम कुमार वर्मा की है, जिनका जन्म हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है। उत्तरायण ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर पर पांव रखकर भागना, सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या फिर चोट पहुंचाना, तो बताइए यहां पर सिर पर पांव रखकर भागना। 61 नंबर का क्वेश्चन है, 61 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। सिर पर पांव रखकर भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, चयन करिए और लाइक करिए, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। आपका उत्तर है कि सर सिर पर पांव रखकर भागना, यानी कि तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना, यानी कि आपका जो बी नंबर है ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, मोर का पर्यायवाची बताना है, कलापी है, तड़ित है, विषयक है या फिर विलक्षण है। 62 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे मोर का पर्यायवाची क्या होता है, मोर का पर्यायवाची सभी लोग बताएंगे, और लाइक करिए जल्दी से, शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। मोर का पर्यायवाची आपको चयन करना है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और बताइए सभी लोगों का उत्तर हो जाएगा कलापी, यानी कि ये नंबर मोर का पर्यायवाची है कलापी, ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चांद का मोह टेढ़ा, इसके रचयिता कौन है, चांद का मोह टेढ़ा इसके रचयिता कौन है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमेल या फिर धर्मवीर भारती। 63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 में आपको चांद का मोह टेढ़ा इसके रचयिता बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, बताएं। बोले सर मुक्ति के बाद चांद का मोह टेढ़ा हो जाता है, यानी ये नंबर मुक्तिबोध आपका सही है। संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है, संसद से सड़क तक मुक्तिबोध,
लीलाधर जगूड़ी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर धूमिल। संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है? लखविंदर जी, बताइए। संसद से सड़क तक धूल ही धूल मिल, धूल मिल धूल मिल, ठीक है, धूल मिल धूल मिल। डी नंबर, राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी, इसकी विधा बताना है दोस्तों। ये चीज तो आपको पता है कि सर राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। इसकी विधा क्या है? 65 नंबर के क्वेश्चन में ये तो क्या है राग दरबारी, और राग दरबारी जो है ये उपन्यास है। बी नंबर, ये उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, बी नंबर करेक्ट है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली बताना है, इसका रचना काल भी बताना है। दुलाई वाली में आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे, और आपको बताए अपन पढ़ते कि दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना, तो दुलाई वाली महिला, महिला से बंग महिला, उस साथ में लेकर आना, तो 1907 की एक कहानी मानी जाती है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आता है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो आपका उत्तर होता है कि सर एक कहानी विधा की रचना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना, तो महिला से बनेगा बंग महिला, ठीक है, साथ में लेकर आना, तो 1907 की ये कहानी है, यानी कि ये नंबर आपका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस का की जो रचना हुई थी वो कितने समय में हुई थी ये बताना है। सरोज सिबी जी बताइए दोस्तों, अभी 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है, 1200 में 12 महीने, और कल अंतिम दिन है 10 तारीख 1200 में 12 महीने का। तो जिन भी साथियों को न्यू बैच में पढ़ना है हिंदी भाषा से, यानी कि शुरुआत से पढ़ना है, वो सभी साथी दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के बारे में बताना है कि इसका समय क्या है। 2 वर्ष 4 माह है 2 वर्ष 7 माह है, तो आपने बताया कि सर 2 वर्ष 7 माह है और 26 दिन, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामचरितमानस बी नंबर 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है, साथ ही रचना काल भी आपको बताना है। बताइए पूनम जी शर्मा, गुरप्रीत सिंह जी, बताएं अजित जी। तो जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी है ना, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले, हिंदी साहित्य वाले हमारे साथी जो भी हैं, एचपी कमीशन यूके एलटी वाले, ठीक है, झारखंड टीजीटी पीजीटी वाले, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, राम कुमार वर्मा है। तो यहां पर आपको बताना है, तब आपका उत्तर है कि सर इसकी रचनाकार राम कुमार वर्मा है, और इसका रचनाकाल है 1938, ठीक है, इसका रचनाकार, आलोचनात्मक इतिहास का। और आपको पता है कि ये अधूरा इतिहास है, अधूरा इतिहास है, ये भी याद कर लेना। संशय की एक रात, ये किसके संशय पर आधारित है, और इसके रचनाकाल कौन है, रचनाकार कौन है, ये भी आपको बताना है। छोटे लाल यादव जी बताइए, सोनू जी, अंकित कुमार, अंकित जी, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है और ये किसकी रचना है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। आशा कुमावत जी, आनंद जी, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। सिमरन जी, संशय की एक रात, आपके लिए नॉर्मल प्राइस रखी गई 1200 में 12 महीने। दोस्तों आपके लिए 100 रुपए महीने भी नहीं लग रहा, अगर हिंदी साहित्य में आप इतने में भी एडमिशन नहीं लेते और पढ़ाई नहीं करते तो क्या कर रहे हो। एक बच्चे की फीस आप 1200 नहीं 12000 भरते हो एक साल की, और आप अपने लिए 1200 नहीं भर रहे, 1200 नहीं भर पा रहे, जो आगे चल के दोस्तों आपकी, आपके बच्चों की और जिनकी भी फीस चलने का आधार भी बनेगी अगर आपकी नौकरी लग गई पढ़ते पढ़ते। वैसे तो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, और एक कोर्स में ऑफर जो है आपको कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है, आपसे 12000 फीस नहीं भरवाई जा रही है, ठीक है। संशय की एक रात राम के संशय पर आधारित है, और ये नरेश मेहता की रचना है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मोहित जी, घासीराम कोतवाल नाटक का लेखक कौन है, बताओ। घासीराम कोतवाल बादल सरकार है, बीबी कारंत है, गिरीश कर्नाड है, या फिर विजय तेंदुलकर है, ये नाटक किसका है? 70 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाता है। सभी को आंसर चयन करना है दोस्तों, आपको पैड क्लास में विस्तृत पढ़ाया जाएगा, ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, अधिकांश चीजें ट्रिक से आपको याद करवाई जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है, जल्दी से बताइए घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है, 70 नंबर का क्वेश्चन है,
उत्तर हो जाएगा विजय तेंदुलकर, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर है। घासीराम कोतवाल नाटक के जो लेखक हैं वो विजय तेंदुलकर हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, 71 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र, राजकुमारी जी, सभी लोग बताएं और एक बार शेयर भी कर दो अपने सभी साथियों कर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं 71 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक कर दो सभी साथी और शेयर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तों। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और राइट आंसर भी चला गया आपका 71 नंबर में कि सर स्कंदगुप्त का पात्र है, स्कंदगुप्त, ठीक है, राजश्री चंद्रगुप्त द्रुपस्वामी, ये इनके पात्र हैं, डी नंबर आपका सही है। मूक का विलोम क्या होगा, मूक 72 नंबर का क्वेश्चन, मूक का विलोम क्या हो जाएगा रजनी जी बताइए, क्या है यहां पर सही आंसर, मूक का विलोम क्या होगा, अमूक, सूक, बाचाल या फिर हुक, देखते हैं कौन कौन बता रहा है यहां पर। मंदाकिनी जी, कमलाकांत जी, सभी लोग बताइए बिल्कुल, और मूक का विलोम 72 नंबर का क्वेश्चन, और 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाता है कि सर मूक का आप बाचाल लगा दो, बाचाल लगा दो, सी नंबर लगा दो, बाचाल आपका सही है, मूक का विलोम बाचाल हो जाएगा, सी नंबर आपका सही है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है, किससे है, सिद्ध साहित्य से है, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या फिर जैन साहित्य से है। 73 नंबर के क्वेश्चन में सरहपा का संबंध किससे है, एक अच्छा क्वेश्चन है। सरला कुमारी जी बताइए, मंजू जी, रेखा जी बताइए, दिनेश कुमारी जी, दिनेश कुमार जी, सरहपा का संबंध किससे है, आपको पता है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था राहुल सांकृत्यन ने, और इनका जो संबंध है वो किससे है, सिद्ध साहित्य से, और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। प्रथम सिद्ध कौन से हैं, सरहपा, और सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो लुईपा का है, लुईपा, ठीक है, लुईपा सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की दोस्तों है, महादेवी वर्मा की कौन सी है, 74 नंबर के क्वेश्चन में महादेवी वर्मा की रचना आपको चयन करनी है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, बिल्कुल। सिमी टंडन जी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कॉल कर सकते हैं। सिमी टंडन जी, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, और 74 नंबर का क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सर ये नीरजा जो रचना है ये किसकी है, महादेवी वर्मा की है, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। 75 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना, यमक होता है, शलेश, भ्रांतिमान या फिर संदेह अलंकार होता है, चयन करिए फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 75 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करना है और शेयर भी कर देना है, सभी लोग बताएं यहां पर, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से बताइए रेशमा जी, 75 नंबर के क्वेश्चन में। और 75 नंबर का क्वेश्चन है कि सर ये शंका की बात हो रही, यानी कि संदेह अलंकार, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर लगाना है। पूनम जी, संदेह अलंकार होता है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है, 76 नंबर किसकी पंक्ति है, मोहित जी, अनीता जी, अर्पिता जी, 76 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपसे पूछी गई है, और 76 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर तोड़ने ही होंगे मठ, यानी कि दोस्तों इनको क्या करनी होगी, इन मठ को मुक्ति दिलानी होगी, तोड़ने होंगे मुक्ति, तो मुक्ति से होगा मुक्ति बोध, डी नंबर मुक्ति बोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है बताओ, हिंदी में अंग्रेजी के ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है बताइए। राशिद कुरैशी जी, ब्रजेश कुमार जी, क्या है सही आंसर यहां पर 77 नंबर के क्वेश्चन में, और 77 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो रहा है कि अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है
परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु डी नंबर आपका परीक्षा गुरु बिल्कुल सही है। परीक्षा गुरु आपका राइट आंसर है। 1882 का ये उपन्यास है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, डी नंबर बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नवजागरण दोस्तों किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये बताइए। स्योदान सिंह चौहान का है क्या, प्रकाश चंद गुप्त का, नामवर सिंह का, या फिर रामविलास शर्मा का है? 78 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर है, सीधे सीधे आंसर में आपको चयन करना है, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके लेखक कौन है? विजय यादव जी, सुभाष सिंह जी बताएं, सिमरन पाल जी, सिमर पाल जी। 78 नंबर के क्वेश्चन में पुलिसर रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, है ना? तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर। नेक्स्ट है मनीषी की लोक यात्रा, ये किसकी जीवनी है, ये किसकी जीवनी? 79 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 79 नंबर में, बताइए। मनीषी की लोक यात्रा, ये जीवनी किसकी? अंकित कुमार जी, जसवीर जी बताइए। ये क्वेश्चन मनीषी की लोक यात्रा कई बार पूछा गया है, बताओ ये किसकी जीवनी है? बीनू सरोज जी, विजय यादव जी, और आंसर है कि सर ये है कबीनाथ गोपी राज की, सी नंबर। जनता जनार्दन बिल्कुल सही आंसर जा रही, सी। बंदम गुरुपद पदम परागा सुरचि सुभाष सुरस सुरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? बंदम गुरु गुरुपद पदम परागा में कौन सा अलंकार है? रीता कांत जी बताना है, चयन करना है। रेखा सरोज जी, मोहित जी बताइए। यहां पर आरती गौर जी, 80 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करते हुए शेयर भी करना है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर बंदम गुरुपद पदम परम परागा, इसमें जो अलंकार हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। पुष्पा रावत जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। वनीसा जी कि सर इसमें अनुप्रास अलंकार है, ये आपका सी नंबर। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं ये भी आपको बताना है, सी नंबर। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, क्या सी नंबर? अनुप्रास के कितने भेद होते हैं बताइए अरविंद्र जी, अनुप्रास के भेद बताना है, बताओ। आराधना पाल जी, 81 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर चयन करना है। जयंती लाल जी, 10 तारीख यानी कि 10 अप्रैल 1200 में 12 महीने का, जिनको भी दोस्तों ये कोर्स में एडमिशन लेना है और बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चालू करना है तो वो अभी चूके ना, बिल्कुल अच्छा मौका है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, 81 नंबर का क्वेश्चन है, और 81 नंबर का क्वेश्चन में जा रहा है कि सर वो जाना जाता है विद्यापति को, विद्यापति जिनकी रचना में विद्यापति की पदावली दोस्तों जो मैथिली भाषा में है, इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पता का बिल्कुल सही बताया कि सर अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, बहुत बढ़िया। तेरा बेभाव देखू या जीवन का क्रंदन देखू, ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है? तेरा बेभाव देखू या जीवन का क्रंदन देखू, ये पंक्ति किसकी है? निराला की, अज्ञे की, महादेवी वर्मा, या फिर बच्चन की, बताओ। 82 नंबर का क्वेश्चन, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति बताना है, और सीधे सीधे चयन करिए। आंसर चला जाता है कि सर तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये जो पंक्ति है 82 नंबर के क्वेश्चन में, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की, ठीक है? यानी कि आपका जो सी नंबर है महादेवी वर्मा, ये बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत जो रचना है वो रचना कौन सी है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पे वो संपर्क कर सकते हैं, सीधा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी से बताएं, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित रचना कौन सी है? देहात से हटकर, ठीक है? राहुल जी बताइए, महास्वप्न का मध्यांतर और हवा में हस्ताक्षर, बोले सर कैलाश तो हवा में हस्ताक्षर करता है, हवा में हस्ताक्षर, यानी कि आपका सी नंबर हवा में हस्ताक्षर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय,
इंदुमती, दुलाई बाली या फिर गोले बहार। 84 नंबर के क्वेश्चन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानती है, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छे क्वेश्चन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है नंदिनी जी, बताइए। और सही आंसर जा रहा है कि सर इंदुमती जो है रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो कौन सी, इंदुमती को मानते हैं, है ना। इंदुमती के रचनाकार कौन है, ये 1900 ईस्वी की रचना है दोस्तों, कहानी है। तो इस इंदुमती को मानते, इंदुमती के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। चयन करिए रस आखेटक, इसके रचनाकार कौन है, रस आखेटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और लाइक कर दीजिए जल्दी से, जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है या नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी नहीं चूकना दोस्तों, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उपयोगी साबित होने वाले हैं ये नोट्स है। और दोस्तों ये क्लास हैं, तो चलिए चयन करिए और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, बताइए रस आखेटक के रचनाकार कौन है, रस आखेटक के 85 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर बताइए। और उत्तर है कि सर रस आखेटक के जो रचनाकार हैं वो कुबेरनाथ राय हैं, ठीक है। सी नंबर कुबेरनाथ राय आपका सही है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, 86 नंबर, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, सज्जन है, राष्ट्रीय है, कामना है या फिर बैसाखी। चारों नाटक प्रसाद के हैं आपको तो पता है, लेकिन प्रथम जो नाटक है वो प्रथम नाटक कौन सा है ये आपको बताना है। 86 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है, आपने बिल्कुल जनता जनार्दन कहाँ जा रही है देखते हैं। 86 नंबर में ये बताया अनुराग यादव जी ने सबसे पहले, बहुत बढ़िया है ना। सीमा वर्मा जी ने कि सर सज्जन है, 1910 इसका रचना काल है सज्जन का, ठीक है। राष्ट्रीय इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, 1915 है इसका रचनाकाल। तो ये है प्रथम ऐतिहासिक और ये है इनका प्रथम। अगर आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है तो आप सज्जन में लगाना, और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक कौन सा है तो ऐतिहासिक में आप राष्ट्रीय लगाना जो कि 1915 का है, ठीक है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है, 87 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ रसखान का बताना है। जसवीर जी बताइए, बताएं लेट्स विद पिले जी बताइए, 87 नंबर का क्वेश्चन है, बताएं। पूर्णिमा वर्मा जी और यहां पर निधि दुबे जी, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है, सैयद अब्राहिम अब्दुल, बताया है बिल्कुल सही। जनता जनार्दन कहां जा रही है, डी की तरफ यानी कि रसखान। दोस्तों ये सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम था। ये क्वेश्चन रसखान का कई बार पूछा गया। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। मीरा की जब बात आती है तो मीरा की एक रचना पर राग गोविंद पढ़ते हैं, राग गोविंद पढ़ते हैं, नरसी जी को मायरो पढ़ते हैं, मीरा की रचना में इनकी पदावली भी पढ़ते हैं, ठीक है। और मीराबाई को अपन को याद कर लेना है कि जो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और मीराबाई की जो भक्ति मानी जाती है वो माधुर भाव की भक्ति मानी जाती है, क्वेश्चन माधुर भाव का पूछा ही जाता है, ठीक है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है जिनका जन्म 1907 में हुआ है दोस्तों, महादेवी वर्मा का, ठीक है। छायावाद की चार आधार स्तंभों में है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। निहार नीरजा रश्मि सांदगीत दीप्सिका सप्तपर्णा इनकी दोस्तों रचनाएं मानी जाती हैं, और यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल जाता है, यानी कि ये नंबर आपका सही है। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, यात्री मित्र यानी कि 89 नंबर का क्वेश्चन है। रविशंकर जी बताइए, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, यात्री मित्र बताना है, बताइए। मुकेश जी सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट चयन करना है, लाइक कर देना। आरुषि मीना जी, प्रमोद सैनी जी, आराधना यादव जी, लेखिका जी, 89 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप बताओगे कि सर यात्री मित्र है ना सत्यदेव, यात्री मित्र सत्यदेव, यात्री मित्र सत्यदेव, सत्यदेव बताया है सरोज निगम जी ने कि सर सत्यदेव परिव्राजक सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के रचनाकार सत्यदेव परिव्राजक हैं। माटी की मूर्तें इसकी विधा क्या है, माटी की मूर्तों की विधा क्या है दोस्तों, 90 नंबर के क्वेश्चन में माटी की मूर्तों की विधा, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है। माटी की मूर्तें इसकी विधा क्या है, इसकी विधा आपको बताना है, बताइए।
90 नंबर का क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें, और माटी की मूर्तें अपन वृक्ष के नीचे स्थापित कर देते हैं, वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो वृक्ष यानी राम वृक्ष बैनीपुरी माटी की मूर्तें, ठीक है, और ये क्या है, संस्मरण है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। सिक्का बदल गया, ये किसकी कहानी है, शिवानी की है, कृष्णा शोभती, ममता कालिया या फिर मृदुला गर्ग। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है, 91 नंबर का क्वेश्चन है, और अपन ने याद भी किया था इसको, सिक्का बदल गया, भारत भारत विभाजन पर आधारित दोस्तों ये कहानी है, सिक्का बदल गया, ठीक है। और कृष्णा सोती रही, भारत पाक का सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही, तो कृष्णा सोती रही यानी कि कृष्णा शोभती, यानी बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है, चर्चित बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चर्चित कौन सा है, वीरेंद्र पाल जी नंबर 92 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है 92 में, उत्तर चला जाता है, बताइए विकास जी, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, और आपका राइट आंसर है कि सर इनका चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक कर दे, सभी साथी शेयर भी कर दो, सभी साथी। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है, गोदान उपन्यास आपने पढ़ा है, होरी की बेटी का नाम क्या है, 93 नंबर का क्वेश्चन है, सिलिया है, झुनिया है, सोना है या फिर धनिया है। दोस्तों एक चीज और है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप सभी ऐप डाउनलोड कर लें, अभी ऑफर है, हिंदी साहित्य पढ़ने का अच्छा मौका है, 1200 में 12 महीने का एक ऑफर दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और दोस्तों हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है आपके घर पर, वाई पोस्ट आपके नोट्स आपके एक सप्ताह में आपके घर पहुंचेंगे, ठीक है। गोदान में होरी की बेटी इसका नाम क्या है, 93 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर उसका नाम है सोना। सोना याद रख लेना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए, याद भी किया था अपन ने, ट्रिक से याद किया था, 94 नंबर के क्वेश्चन में नाखून क्यों बढ़ते हैं, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल, सुनील कुमार जी बताइए, ब्रजेश कुमार जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं भैया बताएं, नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए, 94 नंबर के क्वेश्चन में नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक सरल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये हजारों बार काटते हैं फिर भी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार काटते हैं, हजारों से बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 में ही जन्म हुआ था द्विवेदी जी का, ललित निबंधकार के रूप में दोस्तों इनकी बहुत प्रसिद्धि है। द्विवेदी जी की पहला राजा नाटक के लेखक कौन है, पहला राजा, पहले राजा बनता है जो वो कहां जाता है बताओ, सभी लोग बताएंगे पहला राजा ये किसका नाटक है, और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों, और कितने साथी हैं जिनको भी नोट्स मंगवाना है, सभी लोग बताएंगे, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, पहला राजा नाटक के लेखक कौन है, एक अच्छा और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे, बताइए राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर आपका, सभी लोग चयन करें, शेयर भी कर दिया करो। पहले राजा बनता है तो पहले कहां जाता है, बोले सर जगदीश की पूजा करने जाता है, जगदीश से क्या बनेगा, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि बी नंबर, ठीक है, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का क्या है, नाटक है, बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, 96 नंबर का क्वेश्चन, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, संतोष कुमार जी बताओ, दिनकर, निराला पंत या फिर प्रसाद को, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, गीता जी चयन करिए, बताएं, बताइए वीरेंद्र जी, आग और राग का कवि बताना है, और आपका उत्तर है कि सर ये कहा जाता है आग और राग का कवि, 96 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर जा रहा है, क्या जाएगा कि सर आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है, दिनकर, दिनकर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, दिनकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आग और राग का कवि दिनकर, ठीक है। ये नंबर हिमकिरीटनी के रचयिता कौन है, अभी ऑफर चल रहा है हिंदी साहित्य का दोस्तों, हिंदी साहित्य में जिनको भी एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, अभी 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट भी हो रहा है 15 अप्रैल से, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी दोस्तों
एडमिशन ले सकते हैं जिनको भी लेना है, और जिनको भी अपने हिंदी साहित्य के नोट्स घर मंगवाना है घर पर मंगवा सकते हैं। हेमकिरीटनी के रचनाकार कौन, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 97 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों। और आपने बताया कि सर ये जो रचना है हेम तरंगणी और हेमकिरीटनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है जिनका जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी एक रचना थी हेम तरंगणी जिसके लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। हेम तरंगणी और हेम किरीटनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर चला जाता है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, अब कामायनी की बात आई है तो इसका रचना काल भी बताना, इसमें सर्ग कितने हैं वो भी बताना, इसके रचनाकाल कौन है वो भी बताना। राकेश पटेल जी बताइए, यहां पर रिया जी बताएं जल्दी से, इतने सारे स्टिकर मत भेजो विकास जी, है ना, कमेंट में करके उत्तर बताइए भैया। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर, कर्म ज्ञान बुद्धि या फिर हृदय। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर जा रहा है कि सर जो श्रद्धा है वो प्रतीक है काय का, हृदय, क्योंकि अपन हृदय से क्या रखते हैं, हृदय से श्रद्धा रखते हैं, हृदय से श्रद्धा रखते हैं, यानी कि डी नंबर हृदय से श्रद्धा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कामायनी का रचना काल भी क्या है, 1935 है, ठीक है। ये कामायनी अंतिम काव्य रचना है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। सर्ग 15 सर्ग बता दिए यहाँ पर दक्ष जी ने, बिल्कुल सही है। हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, इसका रचना काल भी बताना है, इसके रचनाकार भी बताना है प्रिय प्रवास के, ठीक है। बताइए दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपके बताएंगे, 99 में हरियोध के बारे में पूछा गया है, सभी लोग बताना है। बताइए मुकेश जी, राधिका जी, सीताराम जी, चयन करिए जल्दी से, कमलाकांत जी, शिव कुमार जी, 99 में, और शेयर करते रहिए सभी साथी। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, प्रिय प्रवास जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना प्रिय प्रवास को, ठीक है। इसमें 17 सर्ग माने जाते हैं, इसका रचना काल आपको बताना है, रचना काल क्या है बताएं, रचना काल बताइए जल्दी से, 1914, वेरी गुड, 1914 इसका रचनाकार है, रचनाकाल है, और रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1965 में, जिनकी जिन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी थी दोस्तों हरिओद जी को, ठीक है। और हरिओद जी के बाद नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है क्या है, 100 नंबर के क्वेश्चन में नाभादास की भक्तमाल की भाषा बताना है, भक्तमाल का रचना काल बताना है, नाभादास के गुरु का नाम बताना है, और उनकी रचना भी बताना है। यहां से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बताइए। सबसे पहले तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा आपको बताना है, सबसे बड़ी बात तो है कि भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, भक्तों का माल कहां रखा, बोले नभ में, तो नाभादास। भक्तमाल का रचना काल क्या है ये भी आपको बताना है, बताइए। राइट आंसर यहां पर जा रहा कि सर जो भक्तमाल है, भक्तमाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर तो आपने सही बताया। इसका रचना काल क्या है बताइए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताना कि नाभादास के गुरु का नाम क्या है, नाभादास के गुरु की रचना कौन सी है, ये भी आपको चयन करना। तो इतनी आपको पता होनी चाहिए कि सर जो भक्तमाल है कौन बता रहा है इसका रचना काल, बताइए। वीरेंद्र पटेल जी, वेरी गुड, बताए कौन बता रहा है, अर्चना लोधी जी, बहुत बढ़िया, सुषमा जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है कि सर इसका रचना काल है 1585 इसका रचना काल माना जाता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग रचना काल भी मानते हैं इसका, लेकिन ये जो रचना है नाभादास की है, और नाभादास के गुरु का नाम क्या है, अग्रदास बताया आपने, अग्रदास, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। और अग्रदास की एक रचना पूछी गई थी जिसका नाम था राम ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, या फिर जिसे ध्यान मंजरी बस कहते हैं, है ना, ध्यान मंजरी भी कहते हैं, राम ध्यान मंजरी भी कहते हैं, तो राम ध्यान मंजरी आपसे पूछा गया था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चनों को अपन ने आज कवर किया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा भी है, ठीक है, और लाइक भी किया है। तो जल्दी से एक बार सभी साथी, जितने भी साथी हैं,
एक बार शेयर करके दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो और जल्दी से लाइक भी कर दो, ठीक है। और यहां पर जितने भी साथी हैं ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऑफर आपका दोस्तों जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये नवरात्रि ऑफर जो था 1200 में 12 महीने, इसका आप लाभ ले चुकेंगे। कल 10 तारीख को अंतिम है, ठीक है। 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स घर बैठे मंगवाना है, वो संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दारसू जी, वीरेंद्र जी, सरोज निगम जी, जसमेल जी, उमंग जी, निधि जी, हरमिंदर जी, रीता कांत जी, विनीता जी, रावंत जी, चांदनी जी, दारसू, पूनम जी, ठीक है, मुकनद जी, और बिल्कुल सही अशोक जी, मनीषा जी, रागनी वर्मा जी, राजकुमारी जी, ठीक है, अर्पिता जी, दीपिका शुक्ला जी, रेखा जी, पूनम, छोटे लाल जी, यादव, ममता जी, है ना, सरबजीत जी, कार्तिक जी हैं, वीरेंद्र जी, निधि जी, अनुराग जी, हरमिंदर जी, पूनम जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें दोस्तों और जोड़ते रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस में। रीता कांत जी, प्रियंका, विकास जी, सुनीता जी, ठीक है, बिल्कुल जी, आराधना जी, रश्मि पाठक जी, निधि जी, विनोद कुमार जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, विवेक यादव जी, रीता कांत जी, शिव कुमार जी, तनु जी, पूनम जी, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम पार पर एक रात में 10 बजे आपके लिए प्रैक्टिस का वीडियो लाया जाता है, लाइव क्लास लाई जाती है, उसमें भी आप देखें। मधुसूदन जी, राकेश पटेल जी, निधि दुबे जी, पूनम जी, अंकित जी, सोनी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, शशि कुमारी जी, राजकुमारी जी, उदय जी, पुनीत शर्मा जी, अर्चना जी, अर्चना जी, प्रमोद सैनी जी, गुरप्रीत जी, रिया जी, रिया पटेल जी, बिल्कुल, सागर कुमार जी, सुरेंद्र नाथ जी, रीता जी, सभी साथियों को, आशा कुमावत, पूनम जी, ठीक है, धन्यवाद।